अस्सलाम वालेकुम न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक थ्री ये न्यू सिलेबस है आज हम इसके चैप्टर की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे डिग्निटी ऑफ लेबर मजदूरी की अजमत प्री रीडिंग ड्यूरिंग द लास्ट वीक हैव यू सीन एनी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑन बिल्डिंग साइट वेटर्स इन रेस्टोरेंट्स और डिलीवरी ड्राइवर्स डू यू हैव अल्पर हु वर्क इन योर होम टॉक अबाउट दिज जॉब्स एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट पिछले हफ्ते के दौरान आपने तामीराती मुकाम पर तामीराती काकुन रेस्टोरेंट में वेटर या डिलीवरी के ड्राइवर देखे है क्या आपका कोई मददगार है जो आपके घर में काम करता है उनके कामों के बारे में बात कीजिए और ये कि ये क्यों अहम है यस yes. I have seen people like these in different places. I think they do a very important job. They make our life easier and contribute in the welfare of the nation. जी हाँ मैंने ऐसे लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हुए देखा है मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत अहम काम अंजाम देते हैं ये हमारी जिंदगी आसान बनाते हैं और कौम की फलाह में डालते हैं और अब यहाँ पर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ क्लास फेलोज के साथ शेयर किया करें मैं बहुत ही आम फहम जुबान में सादा तरीके से वीडियोस बनाती हूँ ताकि घर बैठी हुई जो मदर्स हैं वो भी आसानी से अपने बच्चों को पढ़ा सकें तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें मेरी हौसला अफजाई होती है बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जो ही नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो स्टार्ट करते हैं वर्ड्स टू नो कंपेनियंस फ्रेंड्स साथी दोस्त कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इम्प्रूव और ऐड टू समथिंग हिस्सा डालना डिग्निटी असमत या वकार काम सीरियस एंड कंट्रोल बिहेवियर डेट मेक्स पीपल रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट थिंक हाईली ऑफ एडमायर एहतराम या इज्जत करना. खंदक, a long deep hole dug in the ground, यूज ड्यूरिंग battles टू कैरी अवे water. रीडिंग के दौरान आप अपनी बुक्स जरूर ओपन किया करें और अपने पेज पर देखते हुए मेरे साथ रीडिंग करें लेबर मीन्स वर्क मजदूरी का मतलब है काम करना वी यूज़ द वर्ड लेबर टू डिस्क्राइब हार्ड फिजिकल वर्क आमतौर पर हम लफ लेबर यानी मजदूरी को मुश्किल जिसमानी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेबरर्स आर पीपल हु वर्क इन फैक्ट्रीज आर ऑन बिल्डिंग साइट्स और फॉर्म्स मजदूरों की चंद मिसालें हैं कारखानों में या तमीराती मकाम पर या फॉर्मों पर काम करने वाले लोग मैनी पीपल लेबर यूजिंग their स्ट्रेंथ टू अर्न मनी टू बाय वट दे नीड बहुत से लोग अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए मजदूरी करते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कमाने की खातर दीज जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु डू देम ये काम अहम है और जो लोग इन्हें करते हैं हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए अर्निंग एन ऑनेस्ट लिविंग इज अ थिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू ईमानदारी से रोजी कमाना बहुत बड़ी बात है ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क इज रिस्पेक्टेड बाई एवरी वन मोस्ट ऑफ ऑल बाय अल्लाह सुबहान ताला ईमानदाराना और मेहनत के काम की हर कोई इज्जत करता है

when he sallallahu alaihi wa alihi and his companions were traveling he sallallahu alaihi wa organized where they would stay and made sure that they had food when और आप के यानी सहाबा रजी सफर कर रहे होते चीज का इंतजाम करते कि वो कहा ठहरेंगे और यकीनी बनाते कि उन्हें खाना मिले ही सलहब इन

घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम बकरियों का दूध दोहते जलाने की लकड़ी काटते और खाना पकाने और घर के दूसरे काम करने में अपनी बीवियों की मदद करते He, वा आले वा आले ही सल्लल्लाहु अलैहि सलह वसल्लम लुक्ड आफ्टर हिज क्लोथ्स बाय वॉशिंग एंड मेंडिंग देम हिमसेल्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वस्सलम अपने कपड़ों को खुद धोकर और मरम्मत करके उनकी देखभाल करते एस हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुल नबियीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी वस्सलम डिड हिज ओन वर्क विथ हिज ओन हैंड्स देन वी शुड फॉलो हिज एक्शंस एज दे हजरत मोहम्मद रसूल सल वा आला ही खुद अपना काम अपने हाथों से करते थे तो हमें भी उनके किए हुए कामों की पैरवी करनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी असमत है Doing our own work makes us independent. एंड सक्सेसफुल अपना काम खुद करना हमें खुद मुख्तार और जैसे कि हम दूसरों से बेहतर हैं। लेबर शुड बी रिस्पेक्टेड एज दे कॉन्ट्रीब्यूट लॉट टू आवर सोसाइटी मजदूरों की इज्जत की जानी चाहिए क्योंकि वो हमारे मुआशरे में बहुत सा हिस्सा डालते हैं वी शुड लर्न फ्रॉम देम एंड वर्क हार्ड टू हमें उनसे सीखना चाहिए और खुद भी मेहनत करनी चाहिए नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस अपलोड की जाएंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज